मेरा नाम नकुल पाराशर है, निदेशक विज्ञान प्रसार। गत 32 वर्षों से देश में विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और उसके प्रसार में निरंतर लगी हुई संस्था, जो आज के इस कार्यक्रम में अन्य 3 सहभागियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, हम सब ने बचपन में सबने सुना कि ये क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी थे, आज़ाद थे, राजगुरु थे, भगत थे, सुखदेव थे, अशफाकुल्ला खां थे, वगैरह वगैरह। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे विज्ञान और वैज्ञानिकों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपनी आहुति दी? अपने अपने तरीके से उन्होंने देश में आगे आने वाले विज्ञान की नींव रखी, उसको मजबूत किया। और उस वक्त जो देश में एक आम गैर वैज्ञानिक जो चेतना थी, उसको दूर किया, एक वैज्ञानिक चेतना का संचार किया, लोगों के अंदर बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, और किस तरह से एक बड़े तथ्यपूर्ण तरीके से, एक बड़े लॉजिकल तरीके से लोगों के थॉट प्रोसेस को बदलाव लाने की चेष्टा करी। इस सब के अंदर विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक थे, जो जगह जगह इस क्षेत्र में काम करते रहे, उन सब ने अपना अपना योगदान दिया। आज ये 2 दिवसीय जो हमारी कार्यशाला है, इसके अंदर प्रयास हम सबका ये रहेगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के अंदर इन लोगों ने जो जो अपना योगदान दिया, जो जो बलिदान दिया, उसके बारे में बात करें, उन सबको आम आदमी तक, लोगों तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम पदार्पण कर रहे हैं, तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है हम सब के लिए कि हम इस बात को समझें, जानें और अपने लोगों तक पहुँचाएँ कि विज्ञान की क्या भूमिका रही, वैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही, संचारकों की क्या भूमिका रही, शिक्षकों की क्या भूमिका रही, और इस सब के दौरान जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस तैयार हुए, जो अलग अलग पॉलिसीज़ जगह जगह हुई, आंदोलन चले, उन सब के बारे में लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएँ, क्योंकि आज ज़रूरत है हमारे उस गौरवमय उस इतिहास के बारे में लोगों तक समझने और जानने की। और इस सब के प्रयास में ये जो 2 दिन का कार्य की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों को, विद्वानों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और ये हमें पता रहेगा, पता चलेगा कि हम किस तरह से अपने उस गौरव में अतीत से प्रेरणा ले सकते हैं, और विज्ञान, जिसे हम आम आदमी आज के ज़माने में एक बड़ा ड्राई और ड्रैप समझता है, उससे हट के किस रोचक तरीके से इस वक्त हम उसको जान पाएंगे। आज COVID-19 के इस काल में विज्ञान के प्रति लोगों की जानकारी, जागरूकता और उनके प्रति जो आकर्षण है, वो तेज़ी से बढ़ा है। उस आकर्षण का ये लाभ उठाना इस वक्त विज्ञान संचारों के लिए अति आवश्यक है कि वो इस समय विज्ञान से जुड़े उन सभी अवयवों को लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करें। और इस प्रयास में ये 2 दिवसीय कार्यशाला, 2 दिवसीय संगोष्ठी, मुझे लगता है कि बहुत एक मील का पत्थर साबित होगी, और हम बहुत कुछ जान पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद।